चरणि कर व्यापि निर्व्यप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान् स्थविष्ठान् पुनरीशलोभाषितान् कामजन्यान् विद्वा सर्वान् विशेषान् स्वर्गि मधुरभुं मायया भोजयन्नो माया संख्या दुरीयं परममृतमयं ब्रह्मयत्तं न मन को यदि आप अमर कर सकते हो तो दैत्य की उपलब्धि नहीं तो मन को अमन कैसे करें आत्म सत्य अनुबोध हेरना संकल्प यदि लगा अमनस्तंतरा जाए ग्राह्या भावे तदक्रम। इस समय विचार करते करते विवेक पूर्वक विचार करते करते हमें निश्चय हो जाता है कि संसार में कोई भी वस्तु पारमार्थिक सत्य वस्तु नहीं है। मैं नित्य और नित्यशा आनंद को प्राप्त करना चाहता हूँ तो नित्य आनंद को प्राप्त करने के लिए मुझे संसार में जो नित्य वस्तु है उसी को ढूंढना पड़ेगा। तो एकमात्र आत्मा अथवा ईश्वर भी तो संसार में कोई भी वस्तु नित्य नहीं है। इस प्रकार से ईश्वर में सत्यत्व और सारा जगत में मिथ्यत्व निश्चय होने के फलस्वरूप आत्म सत्य अनुबोधे न आत्मा ही एकमात्र सत्य वस्तु है। इसी को आचार्य के मुँह से शास्त्र वाक्य सुन करके मनन निधिध्यासन के माध्यम से निश्चय करने पर आत्मसत्य तब के लिए मन क्या होता है बाहरी विषय संबंधित संकल्प नहीं करता क्योंकि संकल्प करने योग्य वस्तु के अभाव होने के कारण तब मन क्या होता है अवमन होता है। तो क्या होता है ग्राह्य भावे तद अग्रह मतलब ग्रहण करने योग्य कोई वस्तु है ही नहीं इसलिए मन क्या होता है कोई बाहरी वस्तु संबंधित विचार ही नहीं। तो क्या स्थिति होती है इस समय थोड़ा सा अपार प्रभाव अजम ज्ञानम ज्ञान भिन्नम प्रतिष्ठित इस समय कोई विकल्प नहीं है। एक ध्येय जिसको संसार में बार बार जानने लोग कोई वस्तु बोलते हैं वो व्यापकता पूर्णता वही केवल मात्र वही हमारा ज्ञान स्वरूप है। इस रूप से ज्ञान और ध्येय की अभिन्नता है। इस प्रकार भाग मने विद्वत लोग ऐसा कहते हैं वो क्या स्थिति है ब्रह्म ज्ञेयम अजम नित्यम अजेन अजम विभुद्धते है ना। हम अपने अस्तित्व को और अपने विद्यम अपने अस्तित्व को स्फुरन हमें होती है सभी व्यक्ति को अज्ञानी व्यक्ति को कि मैं हूँ ये तो सबका बोल है क्या हूँ इसको लेकर के तो ठीक है विचार करने पर। और इसीलिए वो व्यापकता ही है मुख्य रूप से शास्त्र के माध्यम से हमारी पूर्णता पूर्णता जहाँ पे पूर्णता वहाँ पे आनंद एक में आनंद शिवम अद्वैतम अद्वैतम अशुभम और जो भी भूमन दक्षिणों की व्यापकता पूर्णता में आनंद इसलिए होते हैं ब्रह्म ज्ञेयम अजम नित्यम वो व्यापकता ही जो है ज्ञेय है और वो जन्म रहित है इसलिए वो नित्य है। इस प्रकार से परंतु मन नहीं रहेगा तो जानेंगे कैसे किंतु अन्य सभी वस्तु जड़ है इसलिए उनको जानने के लिए चिदाभास की आवश्यकता होती है। परंतु ये जो स्वयं प्रकाश होने के कारण फिर चिदाभास यहाँ पे नाश होकर शुद्ध उचित मात्र में पर्यवसित हो जाते हैं ये यहाँ पे अभिप्राय है। अच्छा आप जो है इस प्रकार के पहले बोल करके आए थे कि जो है जागृत को आपको सुषुप्ति बनाना है आप इस प्रकार अपने मन को देखते रहे। अब जब अपने यहाँ पे कोई विचार भारी वस्तु संबंधित चिंता नहीं होती जैसे सुषुप्ति में किसी वस्तु की चिंता नहीं होती इसी प्रकार यही भी अवस्था होगा बल्कि नहीं ये दोनों में जमीन आसमान की बात है। सुषुप्ति में क्या होता है अज्ञान में समस्त वासनाओं की बीज वहाँ पे लीन होकर के हम सोते हैं और जागृत को धीरे धीरे सुषुप्ति बना पाएंगे तो क्या हो जाएगा सारा वासनाओं की बीज वो स्वयं प्रकाश आत्मा के प्रकाश से जल के नाश होगा। ये दोनों में प्रचार की भिन्नता है ना। निर्विकल्प मनस निर्विकल्प धीमत
प्रचार सतु विज्ञान सुषुप्त के अन्न न तत् सम है ना। ये क्या गया, जिस मन को आपने भेज दिया उस मन को जब विवेक पूर्वक भगवान भाष्कर बोलते हैं विवेक दर्शन अभ्यास है ना, इधर शब्द आया था विवेक दर्शन अभ्यास वैराग्य, इसी वस्तु को देख कर विवेक पूर्वक दृष्टि डालना, इसलिए आपने बोला कि निर्भीक मनस निर्विकल्प धीमत, इस प्रकार जब विवेक पूर्वक मन देखने लगता है तो आपकी कुछ भी किसी वस्तु संबंधित कोई विकल्प नहीं होता। इस प्रकार की मन की जो स्थिति है प्रचार उसका आचार विचार व्यवहार वो नाश नहीं होता, वृत्ति लय हो जाता, उसको जानना चाहिए समझना चाहिए। तो वो जो विषय जानना क्या है सुषुप्त में वृत्ति नहीं होता ऐसे व्यक्ति का नहीं नहीं सुषुप्त अन्न सुषुप्त में वृत्ति है उससे भिन्न है सुषुप्त न सम वो जो है लय में गया हुआ जो मन है इस प्रकार के मन नहीं है कि मन जो केवल कहना लोकम समन का होता वो कम वो पूर्ण रूप से प्रकाश के विमान का चला। इसका भाष्य हम पूरा कर चुके हैं, इसका टीका है, इसका टीका है, ठीक है पेज 172 जितने भी टीका के दो लाइन भी हम पढ़ चुके हैं। मोक्ष मानस ध्यान बलम सर्ववत न परक्षम किंतु तृप्तिवत प्रत्यक्ष, ठीक है ना। जो मुक्त होना चाहते हैं जो साधक उसकी इस मुक्ति का फल जो है कि लोकांतर कालांतर में परक्ष नहीं है, आपको एक ही प्रत्यक्ष अनुभव हो जाएगा यहाँ पे ना अभी और यहाँ। इसको इस प्रकार खाना खाने के बाद जो हमारे तृप्ति का अनुभूति होती है पेट भर गया हम अनुभव होता है, इसी प्रकार से ज्ञान का फल भी ऐसा ही है। अतश्च प्रकृत ज्ञानफल से मनोनिरोध से प्रत्यक्ष अर्थम प्रसंगम प्रकृति, इसलिए ये जो प्रकृत ज्ञान मतलब आत्मस्वरूप का जो अवबोध इसका जो है 10 नंबर टिप्पणी में बोलते हैं प्रकृत ज्ञान मतलब प्रकृत के आत्मा ही अर्थ, इससे क्या कहना चाहते हैं अनेन घटादि ज्ञान व्यवच्छेद, इस प्रकार तो विषय ज्ञान नहीं है, घटपट मट के ज्ञान नहीं है, तो स्वरूप ज्ञान है। इसका प्रकृत ज्ञान फल से इस प्रकार ज्ञान क्या ज्ञान का क्या फल है मन निरोध मतलब मन निरोध से अपने आप स्वयं प्रकार अभी व्यक्त हो जाता है प्रत्यक्ष अर्थ, इसको आपको स्वयं अनुभव करना सकता है स्वयं अपरोक्ष रूप से अनुभव कर सकते, इसके लिए प्रसंगम प्रकृति प्रसंग 12 नंबर टिप्पणी क्या बोलती है मतलब 60 श्लोक भूमिका रचती है आधा 1.5 श्लोक में क्या कहना चाहते हैं कारिकाकार उसके लिए भगवान भाष्यकार भूमिका करते हैं। 60 श्लोक में ना मतलब कारिकाकार के 1.5 श्लोक करेगा मन विकल्प से मत प्रचार सत्व विज्ञेय, यहाँ तक श्लोक को समझाने के लिए भूमिका रचयति भगवान भाष्यकार भगवान भाष्यकार भूमिका करते हैं। प्रकृति मतलब अत्र प्रकट है इसको स्पष्ट करके समझाते हैं भगवान निगृहित मनस, चलिए तो हमारे टीकाकार ही बोल रहे हैं टीकाकार श्लोक का अर्थ करते हैं निगृहित मनस निर्विकल्प धीमत प्रचार सत्व विज्ञ सुन न दर्शन न तस्य विज्ञेयत्व सुषुप्त प्रसिद्ध तत्व, उसको अलग करके जानने की आवश्यकता ही नहीं है उसको अलग वहाँ पे मतलब विभिन्न मन के प्रचार को जानने की आवश्यकता नहीं है, सबको प्रसिद्ध है सुषुप्त काल में भी वृत्ति नहीं होता ऐसा ही होगा, इसलिए बोलता है न तस्य विज्ञेयत्व मन मनस तस्य मनस निगृहित मनस विज्ञेयत्व न भवति निगृहित मनस विज्ञेय अकस्मात् सुषुप्त प्रसिद्धत्व सुषुप्त में प्रसिद्ध होने के कारण सभी व्यक्ति जानते हैं यदि आशंका ऐसे शंका करने पर उसको उत्तर देते नहीं नहीं सुषुप्त अन्न सुषुप्त में जो मन का प्रचार है वो कुछ भिन्न निगृहित मन का प्रचार उसका समान नहीं है कुछ अलग, इसलिए होता है सुषुप्त अन्न। अब जो है श्लोक अक्षराणी व्याकर्तुं वृत्तं कीर्तयति, श्लोक में आए हुए पदों को व्याख्या करने के लिए भगवान भाष्यकार पहले जो कथन तर्क आया उसको दोबारा बोला वृत्तं कीर्तयति, प्रत्येक श्लोक के साथ पिछला श्लोक का संबंध जोड़ने के लिए जो करना है भगवान भाष्यकार बोलते हैं, इसलिए बोलता है श्लोक अक्षराणी व्याकर्तुं वृत्तं कीर्तयति, श्लोक में आए हुए पदों को व्याख्या करने के लिए जो आगे पहले कथन तर्क आया उसी को दोबारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाष्य में आत्मसत्व अनुबोधेन संकल्पम अपूर्वत है ना, निश्चय क्या हो गया आत्मा ही एकमात्र सत्य है और जिसको मन के द्वारा नहीं जाना जा सकता, इसलिए किसी भी विषय का संकल्प नहीं करते हुए अपूर्वत ये न्यूट्रल जेंडर है। यदि मैस्कुलिन होता तो क्या होता मुझे होता तो अपूर्वन, यदि स्त्रीलिंग होता तो अपूर्वति अपूर्वती है ना, इसलिए अपूर्व संकल्प अपूर्व संकल्प नहीं करते हुए
बाह्य विषय अभावे, जिस प्रकार बाहरी विषय के अभाव होने के कारण मन संकल्प नहीं करता बाह्य संग, जैसे दृष्टांत क्या है, निरिंधन अग्निवत प्रशांतम, मतलब जिस प्रकार अग्नि पूरा ईंधन को जला करके अपने आप शांत हो जाता है, इसी प्रकार मन भी बाहरी वस्तु संबंधित विषय को चिंतन करते करते निश्चय कर लिया। एक श्लोक है हमारी मत इसके लिए मुंडक उपनिषद, परिश्य रूपान कर्म चितान बंधन निर्वीन माया नास्ति अनुभव, है ना, ये चीज होता है। जब हम वो अकृत अकृत वस्तु के प्रति किसी कर्म के द्वारा नहीं जाना जा सकता, तब उसका विघ्नार्थम गुरु में वह भी करते समय तस्य श्री आत्मसत्व अनुबोधेन तस्य सत्यस्य प्रारूपेण अनुबोधेन सम्मज्ञानेन, ठीक है, तस्य सत्यस्य प्रारूपेण अनुबोधेन सम्मज्ञानेन बाह्यस्य विषयस्य संकल्पस्य अभावे निर आलम्बनस्य प्रचार असंभवे च मन संकल्पं अकुर्वत् प्रशांतं निरुद्धं भवति इति अन्वयः। पूरा एक श्लोक एक लाइन लिखा, तस्य आत्मसत्व अनुभूत तस्य आत्मन सत्य जो परम सत्य है उस सत्य का, तस्य आत्मन सत्य जो परम सत्य है प्राग उत्तेन, जैसा पहले कथन करके आया है आत्मा, कैसे बोला, शास्त्र वाक्य को गुरुमुख से सुन करके और फिर श्रवण मनन विद्यार्जन के माध्यम से अनुभूतेन सम्मत ज्ञान है ना, जब हमारा मन निश्चय हो जाता है आत्मा ही एकमात्र सत्य वस्तु है। बाह्यस्य विषयस्य संकल्पस्य अभावे, जो हर बाहरी विषय संबंधित मन संकल्प करता रहता है उस संकल्प का अभाव हो जाने के फलस्वरूप बाह्यस्य विषयस्य संकल्पस्य निरालम्बनस्य प्रचार असंभवे। अब मन को जो है, क्योंकि मन हमेशा देखा कि मन को अगर आप समझना चाहते हैं तो आप कैसे समझेंगे, वो कोई ना कोई विषयात्मक वृत्ति उठाती रहता है, कोई ना कोई विषयात्मक वृत्ति मन में हमेशा उठता ही रहता है, इसलिए तो ये जो है आप विषय संबंधित चिंता मन से चला गया तो क्या हो जाएगा, आलम्बन रहित हो जाता है, आलम्बन रहित होने के कारण संकल्प निरालम्बन से प्रचार असंभव, जब उसका विस्तार करना मतलब प्रचार लाते वृत्ति को उठाना संभव नहीं होने के कारण मन संकल्प अपूर्वक, मन संकल्प को नहीं करते हुए, वहाँ पे लिख दिया अपूर्वक और यहाँ पे लिख दिया अपूर्व द और यहाँ पे तो ये भिन्नता की मन, वहाँ पे लिखा अपूर्वक और यहाँ पे लिखा अपूर्वक, मन का ही विशेषण भाष्य में लिखा अपूर्वक और टीकाकार क्या लिखा अपूर्वक, ये भिन्नता की मन आगे देखो, आगे देखो क्या पद है, वो है ना भंडार के अनुसार ये सॉफ्ट कंसोनेंट आगे होने के कारण यहाँ पे खरी चल नहीं लगता, झलम यश यहाँ पे पढ़ना कितने लकार हो गया, जल को जश हो जाता है, जश होकर स्थिति हो पाती है, और यहाँ पे खरी चल लगे आगे क है ना, होने के कारण तो है अपूर्वक प्रशांत निरुद्धम भवति, प्रशांत निरुद्ध भवति प्रशांत मतलब निरुद्ध अवस्था में आ जाता है इति अन्वय, ऐसा यहाँ पे भगवान भाष्यकार की पंक्ति को अन्वय करना पड़ेगा। अच्छा, निर्विषय मन सामति, मन जब विषय रहित हो जाता है तब वो शांत हो जाता है, निर्विषय मन विषय रहित मन सामति वो शांत हो जाता है, क्योंकि अत्यधिक विषय में दृष्टान्त मानते हैं, दृष्टान्त तो क्या दिया, निर्धन अग्निवत प्रशांतम निर्धितम निरुद्धम मनो भवति इति उक्तम, ठीक है ना, निरिंधन अग्निवत ईंधन रहित अग्नि जैसा शांत हो जाता है, इस प्रकार विषय रहित मन शांत हो जाता है, प्रचार बंद हो जाता है, ठीक है ना, निर्विषय मन सम्मति इस विषय में दृष्टान्त निरंधन अग्निवत, ठीक है ना, ये दृष्टान्त देना है, मतलब वहाँ पे शांत होकर के फिर उसका चरण भारी संबंधित बहुत वस्तु संबंधित मृत्यु उठना बंद हो जाता है, इसलिए बोलते हैं कि निर्विहित मतलब निरुद्ध मन भवति, मन निरुद्ध अवस्था में आ जाता है। टीका में भी अच्छा एवं ध्यान निरुद्ध मनसि मनस्क व्यक्तित्व मनस्पंदन से दैत अभाव उत्तम स्मारति, ठीक है ना, निरुद्ध मनसि मतलब मन निरुद्ध हो जाने का सभी शब्द है ना, होने पर मनस्थ व्यापृत जो मन की मनस्थ अपागा अग्नि अग्नि एकदम
अपागात अग्नेर अग्नित्तम अपागात आदित्येरादित्तम तीन रूपाणि इत्येव सत्यम्। इसी प्रकार मन की मनस को चलाया जाता है ना, ये अग्नेर अग्नित्तम चलाया जाता है, तीन रूप तन्मात्र मात्र सत्य मतलब सदैव सत्य ऐसा करके चांद्र रूप संक्षेप में कहा। इसी कहते मनस ही निरुद्ध, मन निरुद्ध हो जाने पर मनस मन में रहने वाले जो धर्म उसको निराकरण हो जाने हो जाता है, मन मनस का व्यक्तित्व उसका मन रहता है, मन की जो मनस धर्म संकल्प विकल्प करना वो भी बंद हो जाता है। मनस्पंदितस्य क्यों होता है, मनस्पंदितस्य द्वैतस्य अभाव, क्योंकि मन मन से ही अमनिभावे द्वैतम नहीं उपलब्ध है, क्योंकि वहाँ पे द्वैत की उपलब्धि नहीं हो रहा है। अब एक आत्मसत्ता अनुभूनात्म सत्य बार भविष्य को देखे, इसलिए मनस्पंदितस्य मन के स्पंदन के फलस्वरूप द्वैत दिखाई पड़ता है, उसका अभाव हो जाने के कारण ऐसा पहले कहेगा कि मन से ही अमनिभावे द्वैतम नहीं उपलब्ध है। इसको स्मार यदि मतलब स्मरण करवाते हैं भगवान नाशक, स्मरण करवा यानी जानते हैं ना, स्मरण कराते हैं हम लोगों को। तो चार नंबर टिप्पणी में देखिए क्या बोलते हैं, मनस्पंदितस्य मन परिणाम रूपस्य, तो मन की परिणाम है सृष्टि, उसको संकल्प करते तब देखते रहते हैं, इसलिए होता है मन परिणाम रूपस्य मन की परिणाम। अब भाष्य में एवं च मनुष्य ही अमनि भावे दैव अभावश्च उत्पन्न, क्योंकि इसका पहले कहा मन को यदि आप अमन कर सकते हैं तो दैव अभाव आपको अनुभव में आ जाएगा। एवं च मनुष्य ही अमनि भावे दैव अभावश्च उत्पन्न, दैव अभाव कहा है क्यों, जब एक नंबर टिप्पणी में बोला था दैतस्य मनस्पंदन मात्र स्पंदित मात्र सिद्धि दैव, क्योंकि वहाँ पे क्या बोला था सुषुप्ति अवस्था में समाधि अवस्था में जब मन शांत हो जाता है आपको दैत्य उपलब्ध होता है, नहीं होता है, इसे क्या सिद्ध होता है दैत्य प्रपंच मन का स्पंदन, ये युक्ति करेगा शुद्ध मन पर। मन मुंह खोलता है तो दैत्य प्रपंच दिखाई पड़ता है, मन अगर वृत्ति बनता है कोई दैत्य प्रपंच नहीं होता। एवं च मनसि तन्द्रिय मनि भावे दैत अभावश्च दैत अभाव बनता है। वहाँ पर जो पद आ रहा है एवं च एवं वृत्तम अनुत पाद त्रयस्य अर्थम आह, इस प्रकार से पहले क्या कथन करके आया उसको दोबारा बोल करके वृत्तम अनुत पहले की कथन को संक्षेप में अनुवाद करके पाद त्रयस्य इसमें तीन पाद निपीड़ित मनस निर्विकल्प धीमत प्रचारो शत्रु विज्ञेय, तीन यहाँ पर तीन पाद की जो है इसकी अर्थ को भगवान भाष्य का कहना चाहते हैं। भाष्य तस्य एवं निपीड़ित निरुद्ध मनस निर्विकल्पस्य सर्वकल्पनावर्जितस्य धीमत विवेकवत प्रचरणम् प्रचारज शतु प्रचारो विशेषेण ज्ञेय विज्ञेय योगिभिः योगिनो, ठीक है ना, ये तो पढ़ लिए थे। उसी निगृहित मन का इस मन का कैसे तस्य निगृहितस्य निरुद्धस्य मनस सब षष्ठी वचन है, निर्विकल्प से भी षष्ठी सब मन का विशेषण विशेषण है, सर्वकल्पनावर्जितस्य समस्त कल्पना से रहित हो गया धीमत मतलब आप मन विवेक पूर्वक देखना सीखे सुंदर विवेकवत षष्ठी एक वचन, इस प्रकार की मन का प्रचरण मतलब प्रचार उसकी क्या वृत्ति है कैसे विचरण करते हैं कैसे भक्ति है इधर उधर उसको जो है सज इस प्रकार का जो प्रचार है वो प्रचार सब प्रचार तो विशेष ज्ञेय विज्ञेय उस मन की स्थिति बात को समझना है, परंतु सभी व्यक्ति नहीं समझ पाए, कौन लोग समझ पाएगा, योगी भी है ना, योगी भी जो इस प्रकार आत्मतत्व को जानने की इच्छा तो भगवान को प्राप्त करने की इच्छा योग अभ्यास करने वालों के द्वारा, योग अभ्यास के पहला ही कदम है यम और नियम है ना, यम और नियम को छोड़ कर हम आत्म साक्षात्कार कर लेंगे थोड़ा संभव नहीं, वो फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए ना, मेरा यहीं पर कमी क्यों हो रहा है, क्योंकि जो प्रारंभिक दृष्टि विवेक विवेक वैराग्य सत्संग दृष्टि के लिए इसके बिना ठीक है लेकिन तो समझ में आ जाएगा, परंतु वैराग्य के कारण परंतु अपरक्ष अनुभूति के लिए ऐसा जो नियम को आशा करना गया उसको पालन करना पड़ेगा। दो नंबर की टिप्पणी हमने पढ़ ली तो सर्वसन निखिल वृत्ति रहित संपूर्ण वृत्ति से जब मन रहित हो जाता है इसका भी प्रकार है। यहाँ पे देखिए जो एवं पद तस्य एवं भाष्य में जिस पंक्ति को पढ़ा हमने उसमें जो एवं पद आया हुआ है उस एवं शब्द का विषय अभावे मतलब मन को चिंता करने के लिए कोई विषय नहीं रह जाने के कारण विषय कमन हो गया, मन निश्चय कर लिया
कि अरे ये हमारे काम का वस्तु नहीं है, जो स्वप्न में देखे हुए वस्तु के बारे में हम विचार नहीं करते थे। एवं शब्द का अर्थ हो गया विषय अभावी नहीं। फिर निर्भीत विरुद्ध मनस निर्विकल्प ये आत्मा आत्मसत्व अनुबोधेन ये है ना विवेकवत शब्द है भाष्यकार की भक्ति में। दशैव निर्भीतस्य निरुद्धस्य मनस निर्विकल्पस्य सर्वकल्पना वर्जितस्य धीमतः। उसका अर्थ क्या कर दिया विवेकवत, विवेक दृष्टि से देखना सीख गया। उसको बोलता है कि विवेक कैसे आया आपके पास, विवेक कैसे जागृत हो गया। आत्मसत्व अनुबोध विवेक शब्द है ना, विवेक शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा कि आत्मा ही एकमात्र संसार की सत्व वस्तु है, बाकी कोई पारमार्थिक सत्व वस्तु नहीं है। ये हो गया विवेक। प्रत्येक आत्मनि एव पर्यावसान प्रचार तस्य विद्वत् प्रत्यक्षत्वं विवक्षित्वा योगिभिरुक्तम्। अब जो है जब अधिष्ठान मतलब भ्रांति से अधिष्ठान के ऊपर दिखाई दे रहा था जो सर्प, वो सर्प जब लय प्राप्त करता है तो कहाँ जाता है, अपने अधिष्ठान में लय प्राप्त करता है। तो इसी की सूत्र चेतन के ऊपर जो मन सहित जो चीजाभास दिखाई पड़ रहा था तो मन के कारण प्रतिक्रम दिखाई पड़ता। अब जब विचार करते करते परिच्छिन्न अहंकार जब लय प्राप्त करता है तो कहाँ लय प्राप्त करेगा, चेताभास अपने मूल अधिष्ठान को अधिष्ठान चित्त के साथ आवास नहीं रहेगा, चित्त के साथ एक हो जाएगी। ये प्रत्येक आत्मा ने एक पर्यावसन अभिप्राय क्या होगा, परिच्छिन्न अहंकार के द्वारा हम चेताभास के साथ विचार कर रहे हैं, विचार करके आप क्या है धीरे 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 वो आभास चला जाता है। जैसे जैसा मन जो है अहंकार को छोटा पर चिन्ह बढ़ता जाएगा आभास जाता है, फल क्या रहेगा शुद्ध चित्त, शुद्ध चित्त अधिष्ठान के साथ अधिष्ठान के साथ एक हो जाएगा, अधिष्ठान के साथ एक हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक आत्मा एक पर्यावसन में प्रत्येक आत्मा में जाता को मिल जाता है, उस यही उसका प्रचार है, उसका प्रत्येक पर्यावसन है यही उसका प्रचार है, मतलब स्थिति है। तस्य विद्वत अपदृष्ट की कौन समझ पाएगा, विद्वत प्रत्यक्ष मतलब बार बार विचार करके फल से रूपांतर से विद्वत यहाँ के ज्ञानी बोल रहे हैं, परंतु वो तो मतलब जब वो आप दोनों रिलेटेड है, आत्मा का देखने के बाद ज्ञानी बनेंगे कि ज्ञानी हो ज्ञानी व्यक्ति आत्मा को देखेगा, आत्मा को देखने के बाद आप ज्ञानी बनेंगे अथवा ज्ञान मतलब ज्ञानी होकर आत्मा को देखेंगे, दोनों ये बाघ यहाँ पे नहीं है। हाँ बस उसी समय होता है ना, इसीलिए यहाँ पे होते हैं प्रत्येक आत्मा ने एवं पर्यावसन प्रत्येक आत्मा में पर्यावसित हो जाता है ना। प्रचार प्रचार क्या होता है, इस प्रकार देखिए इस कमरे में सामान्य सूर्य प्रकाश है कि नहीं, परंतु यहाँ पे जो लाइट आ रहा है यहाँ पे सूर्य प्रकाश है, परंतु इस लाइट के कारण ये विशेष रूप में चेताभास के ऊपर इतना काम करता है। सामान्य प्रकाश सूर्य प्रकाश हो गया हमारा शुद्ध जीवन, और ये अहंकार वो क्या करता है कोई विषय को विशेष करके प्रकाशित करता है, वहाँ भी सामान्य प्रकाश है यहाँ भी सूर्य के सामान्य प्रकाश है, इतना विशेष प्रकाश करता है। आप क्या कर रहे हैं कि आपको कुछ विशेष को आप नहीं देखना चाहते हैं, आप किसको देखना चाहते हैं वो सामान्य के साथ देखते हैं, तो क्या होगा धीरे 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 इस भक्ति को बंद करो, इस भक्ति को बंद कर सामान्य शुद्ध है ना। यहाँ पे जैसे भक्ति बंद करना संभव है यहाँ पे किसको बंद करना परिच्छिन्न अहंकार, उसको जब धीरे धीरे चित्त हो जाए तब आभास नहीं है, तब आभास नहीं है। और अन्य वस्तु में क्या होता है कि जैसे तो इस वस्तु की ज्ञान चाहिए मुझे, तो क्या होगा कि ये चैतन्य यहाँ भी विद्यमान है, सामान्य चैतन्य यहाँ भी विद्यमान है, सामान्य चेतन मन में भी विद्यमान है, परंतु वो क्या है तो मन से वृत्ति उठते ही मनोवृत्ति यहाँ पे जा करके इस विषय निष्ठ जो अज्ञात चेतन है उसको घेर लेता है, वो घेरने के बाद उसका प्रतिफलन अंदर में आता है, अंदर में शुद्ध प्रकाश है और उस प्रकाश में शुक्र पड़ा और चेताभास उसको विशेष प्रकाशित करते तो उसको कहता है मुझे इस वस्तु का ज्ञान है, और साक्षी उसको प्रकाश हाँ ज्ञातता ला दे साक्षी में ज्ञाता ला, ये जो है हमारे पंचदश में इस प्रकार कैसे ज्ञान होता है, किस प्रकार से होता है अच्छी तरह से उसको संकेत कर दिया तो होता क्या है, क्या चला जाता है, क्या चला जाता है। प्रत्येक आत्मा ने एवं पर्यावचन
प्रचार प्रत्यक आत्मा में जो लय प्राप्त करते हैं उसका प्रचार तस्य विद्वत् प्रत्यक्षत्वात् ये सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाता अनेक जन्म की पुण्य संचय फिर धीरे 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 अभ्यास के फलस्वरूप जो को देख पाता है इसको ऑलरेडी अभिप्राय से भगवान भाष्कर ने यहाँ से क्या बोला योगी भी है ना योगियों के द्वारा मतलब जुक्त यदि उच्यते योगी क्योंकि कौन है इसका मन आत्मा से अथवा परमात्मा से जुड़ गया है ना परमा जुड़ने का प्रयास कर रहा है वही योगी है उसके द्वारा ये देखा जाता है यहाँ पे देखिए पाँच नंबर और छः नंबर के पंडित प्रत्यक आत्मनि एव पर्यावसनमिति आत्ममात्र अविशेषत्वं तन्मात्रत्वमिति आत्ममात्र अविशेषत्वं मतलब आत्मा में कोई विशेष नहीं दिखे आत्मा में क्या शुद्ध आत्मा इसलिए जो परिच्छिन्न आत्मा था ना मतलब मैं मनुष्य हूँ यहाँ तक की वृत्ति में चले जाए आप चला जाके बात मैं मनुष्य हूँ मैं सन्यासी हूँ मैं वेदांत पढ़ता हूँ मतलब बुद्धि मांगे सारा आप धीरे धीरे मन से चले शुद्ध आत्मा शुद्ध चिंतन में निश्चय इसलिए आत्मा मात्र अविशेषत्म तन मात्र मतलब उसमें कोई विशेषता का समस्त निर्विशेषता ही हमारी विशेषता है हमारी विशेषता क्या है निर्विशेषता ही हमारी विशेषता है जितना विशेष हम आत्मा पर आरोप कर रहे हैं उसको धीरे 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 विचार होकर विशेष का दृष्टा हो जाए ठीक है विशेष कहाँ पर है मन में है बुद्धि में आत्मा में आत्मा सर्वदा निर्विशेष परंतु उस मन और बुद्धि के धर्म को आत्मा को ऊपर आरोप करके व्यवहार करके हम गौरवान्वित समझते हैं है ना शास्त्र में उसको मतलब यही तुम्हारी बंधन है यही तुम्हारी बंधन है इसलिए बोलते हैं आत्ममात्र विशेषत्व तन मात्रत्व इति जागरण और फिर छः नंबर योगी भी इति साधक ही देखिए यहाँ पर टिप्पणी कर सुंदर शब्द पर अरे ज्ञान होने के बाद फिर क्या देखेगा फिर दोबारा नहीं देखना था साधक के द्वारा ऐसे देखा जाता है साधक विदुषां सिद्धानां प्रत्यक्ष प्रचारतया तान प्रति विज्ञ इति वक्तुं अयुक्तत्वात् कितना सुंदर भगवान यहाँ पे भगवान भाष्य देते हैं भावी वृत्ति से बोल रहे हैं विद्वत विद्वत प्रत्यक्ष भाव इतना तो जानने के बाद विद्वत टिप्पणी का क्या बोल रहे हैं ये साधक ही इसको जानते हैं जो विद्वान हो तो जान ही ले वो फिर दोबारा क्या जानेगा उसके लिए शास्त्र विधान नहीं है प्रचार सब विज्ञेय किसके लिए विधान कर रहे हैं अनुकरण कर इसका ज्ञान हो गया उसके लिए कि अज्ञानी के लिए साधक के लिए साधक के लिए इसलिए टिप्पणीकार बोल रहे हैं यहाँ पे कि योगी भी ये नहीं समझना यहाँ प्रत्यक्ष योगी भी साधक है साधक के द्वारा ऐसा जाना जाता है क्यों विदुषाम सिद्धानम जो विद्वान है उसको अपने स्वरूप में सिद्ध हो गया सिद्ध हो गया क्योंकि शुद्ध वस्तु है सात्व वस्तु नहीं है इसीलिए यदि सात्व वस्तु होता तो पुरुष तंत्र होता ये सिद्ध वस्तु है इसलिए वस्तुतंत्र है ये विदुषाम सिद्धानाम प्रत्यक्ष प्रचार होता है उसका तो प्रचार प्रत्यक्ष हो ही गया तान प्रति विज्ञा उनके लिए भी ये कहना कि ये जानने जो है वो बोलना मतलब शास्त्र के लिए अभिप्राय नहीं है तान प्रति यदि वक्तु अयुक्त अयुक्तत्वात् इस प्रकार बोलना युक्तिहीन हो जाता है इसलिए साधक के लिए ऐसा बोला जाता है भगवान भाष्कर मतलब जो साधक इस मार्ग में चलेगा हम बोला था भगवान भाष्कर को लगता था कि निश्चित सफल होगा इसीलिए वहाँ इसने विद्वत पर बोल दिया एक ज्ञान मार्ग में लगा हुआ जो व्यक्ति वो क्या होता है कि ज्ञान प्राप्त तो कर ही लेता है ठीक है जितना प्रतिबंधक है सब थोड़ा समय लग सकते हैं और भगवान भाष्कर कैसे ही दिखाई देते हैं कि उनको ये भी तो विद्या नहीं है इसलिए यहाँ पे विद्वत भी बोलते हैं विद्वत प्रत्यक्ष योगी भी रीति होता अब जो है इसमें चतुर्थ पाद को लेकर के बोलते चतुर्थ पाद व्यावर्त्यम आशंकम अहम चतुर्थ पाद के द्वारा जिस शंका को निराकरण करना चाहते हैं व्यावर्त्या आशंका निर्वर्तन मतलब खंडन होने योग्य जो शंका है उसको भगवान भाष्कर बोल रहे हैं चतुर्थ पाद से पहले क्या होगा आप यही बोलेंगे कि सुषुप्ति में जैसा वृत्ति रहित हो जाता है निरुद्ध मन भी ऐसा वृत्ति रहित हो जाएगा उसमें क्या विशेष जानने योग्य उत्तर नहीं ऐसा ये शंका उठाएगा ठीक है चतुर्थ पाद व्यवत्याम चतुर्थ पाद के द्वारा निराकरण करने योग्य जो आशंका है उस आशंका को भगवान भाष्यकार कहते हैं आह भगवान भाष्यकार भाष्यकार इसका करता है ननु सर्व प्रत्यय अभावे अश्विन ननु सर्व प्रत्यय अभावे जादृश सुषुप्त स्थस्य मनस प्रचार तादृश एव निरुद्धस्य भवति प्रत्यय अभाव अविशेषा भगवत्पन्ना करके बोला वैसे ही हो जाएगा तब तो ठीक भी क्या इसमें विशेष जानने का क्या है विशेष जानने का क्या है
शंका करने वाले बोलते हैं कि जो सुषुप्ति के मुक्ति मानने वाले बाकी वो लोग पक्ष ऐसा बोलते हैं। तो सर्व प्रत्यय अभावे समस्त वृत्ति के अभाव हो जाने पर जादृश्य सुषुप्त जिस प्रकार सुषुप्ति में स्थित मन का अवस्था का मानस है प्रचार मन की जैसी स्थिति होती है प्रचार शब्द का अर्थ करके अविद्या मात्र बढ़ जाए अविद्या में लय होकर के मैं कुछ भी नहीं जाना यही होगा उसकी स्थिति केवल निरुद्ध से अभी मनुष्य भवती निरुद्ध मन का भी ऐसा होगा कि जो मन के साथ अन्य किसका होगा निरुद्ध से मनुष्य है ना ज्ञान करना मनुष्य पहले दिख गया मन का अन्य निरुद्ध से निरुद्ध मन का भी ऐसा ही होगा क्यों हेतु क्या दिया प्रतिज्ञा बाप के पीछे प्रत्यय अभाव अविशेषात दोनों जगह पे प्रत्यय के अभाव एक ही प्रकार है इस प्रकार से कथन हमें भाष्य का शंका हो गया यहाँ पे जो बोलते हैं कि टीका में आ जाए निरुद्धस्य अपि मनस प्रचार इति सम्बन्धः ठीक है ना आशिका की पंक्ति में सर्व प्रत्यय अभावे जादृश सुषुप्तस्य मनस प्रचार फिर आगे लिखा निरुद्धस्य तो हमने कैसे करना पड़ेगा निरुद्धस्य अपि मनस प्रचार इति ऐसा अन्य शब्द कैसा सजा जाता है निरोध किया हुआ मन का भी इसी प्रकार की प्रचार होगा स्थिति होगी फिर विशेष प्रत्यय अभावस्य निरोधे स्वापि च विशेष अभावात् इति हेतु अर्थ हेतु कौन सा है यहाँ पे प्रतिज्ञा के पीछे भाष्यकार की पंक्ति में हेतु कौन सा वाक्य है प्रत्यय अभाव अविशेषात् ये हो गया हेतु ये जो हेतु है इस हेतु का क्या अर्थ है बोलते हेतु का अर्थ यह है कि विशेष प्रत्यय अभावस्य विशेष प्रत्यय की अभाव निरोधे स्वापेच निरुद्ध अवस्था में सुषुप्त अवस्था में दोनों अवस्था में एक ही है इसलिए होता है विशेष प्रत्यय अभावस्य निरोधे स्वापेच विशेष अभाव इसलिए दोनों में कोई विशेषता तो रहा नहीं ये हेतु का अर्थ है तो मतलब उस भाष्य का विषय प्रत्यय अभाव अविशेषा हेतु का प्रतिज्ञा के हेतु भी किम तत्र विज्ञम वहाँ पे फिर विशेष जानने का क्या आवश्यकता है मतलब यहाँ पे तत्र शब्द का क्या अर्थ हो गया प्रतीका का लिखते हैं प्रचारे प्रसिद्ध सती इस प्रकार जैसा सुषुप्ति अवस्था में मन की प्रचार है उसी प्रकार मतलब निरोध अवस्था में हो गई तो प्रसिद्ध है फिर इसको जानने क्या है फिर जानते तत्र वहाँ पे तत्र प्रचार तत्र वहाँ पे मेरा भाष्य में कहाँ तत्र है ये मन की प्रचार तो प्रसिद्ध है जैसे सुषुप्ति में ऐसे ही होगा इसलिए क्या जानना क्या है यहाँ पे ऐसा करके शंका करने पर अब इसका उत्तर के रूप मतलब इस शंका के उत्तर के रूप में कौन सा पद आएगा चतुर्थ पद है ना कि चतुर्थ पाद के द्वारा जिस शंका को निराकरण किया जा रहा है उस शंका को उठाया उस शंका को निराकरण कौन करेगा चतुर्थ पाद इसी नाम देखिए बोलो चतुर्थ पादम उत्तर तेन अवतारयति इस शंका की उत्तर के रूप में शंका के उत्तर के रूप में चतुर्थ पाद को अवतरण करते हैं भगवान का चुका अत्र उच्यते इस विषय में हमारे सिद्धांत क्या है वो कहा जाता है हमारे सिद्धांत अपने सिद्धांत को सुनो तो फिर पूर्ववादी बोलते हैं निरुद्धस्य मनस सुषुप्तस्य इव प्रचारस्य सुज्ञानत्वा न तत्र ज्ञातव्यमस्ति इति उक्तम् क्यों उसने क्या कहा निरुद्धस्य मनस जिस मन को आपने प्रयास पूर्वक विरोध किया उस प्रकार मन का सुषुप्तस्य इव सुषुप्ति के समान ही प्रचारस्य एक ही प्रकार प्रचार होता है उसका स्थिति एक ही प्रकार की हो तो इसीलिए बोलते हैं प्रचार से सुज्ञानत्वा आदि तो आसानी से जाना जा सकता है उसके फिर उसके ऊपर क्या देखना है उसके प्रति इस प्रकार शंका करने वाले के प्रति उत्तर दे रहे मान लो तो कार्य कर शंका के प्रति आओ नहीं गम ऐसी बात नहीं है मन की स्थिति को समझने का कोशिश करो तब पता लगेगा ये नहीं गम क्या अब यहाँ पे क्या बोलते हैं नहीं गम यस्मा सुषुप्ते अन्न प्रचार अविद्या अविद्या मोह तमग्रस्थ तस्य अंतर्लीना अनेक अनर्थ प्रवृत्ति बीज वासनावतो मनसः ये हो गया सुषुप्ति अवस्था में मन की स्थिति सुषुप्ति अवस्था में मन की स्थिति देखिए यहाँ पे तस्मात् सुषुप्ते अन्न प्रचार अविद्या तमो
अविद्या मोह तम ग्रस्त है ना, जो अविद्या वही है मोह, और उसकी अंधकार के द्वारा ग्रसित होगा और उसमें अंकुश अंधेरे में लीन रहता है। क्या लीन रहता है? सारा वासनाओं के बीज की वह सुषुप्ति की स्थिति है ना, इस प्रकार मानते हैं। यहाँ पर ये अविद्या मोह तम ग्रस्त है ना, उसका अर्थ तम ग्रस्त है ना, षष्ठी अंत पद है, उसका अर्थ लिख रहे हैं टीका का। देखिए टीका में क्या लिखा है, पढ़िए। वो काट दीजिए, अवक्र है ना, क्योंकि वहाँ पे विद्या की भाव को, विद्या भाव को व्यवृत करने के लिए विद्या का अहम विद्या विद्या की आत्मनंबर टिप्पणी के आरम्भों में विशेषणम पुराने पुस्तक में नहीं, यहाँ पर अवग्रह यहाँ पर नया पुस्तक में लगा दिया गया है। तो यहाँ पे क्या विद्या भाव व्यवृत्ति अर्थ मोह विशेषणम, ठीक है ना, मतलब विद्या की जो भाव, ज्ञान की जो प्रकाश, उस ज्ञान के प्रकाश का उस समय अभाव है, किसमें? सुषुप्ति अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में ज्ञान के प्रकाश के अभाव है, ठीक है ना। किसी को मतलब जागृत को तो सुषुप्ति बनाएंगे तो ज्ञान की प्रकाश स्पष्ट रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, इसलिए आठ नंबर टिप्पणी को देखिए तब समझ में आ जाएगा आपको। मोह विशेषणम इति अविद्या अभिन्न मोह, ठीक है ना, अविद्या जिसे अभिन्न है जो मोह, वही मोह अंधे का आवरण आवरणात्मक है। अविद्या से अभिन्न जो मोह है वही मोह आवरणात्मिका है, इसलिए बोलते अविद्या अभिन्न मोह तमस विशेषण है, तम का विशेषण है, इसीलिए यहाँ पे अवग्रह को काट दीजिए। समझ में आया? क्यों काटेंगे उसको? यदि बोलता विद्या अभाव व्यवृत्ति, उसका मतलब क्या हो जाएगा? विद्या के अभाव को हटाने के लिए, विद्या के अभाव को मतलब क्या हो जाएगा? विद्या के अभाव को हटाया आपने, यानी कि विद्या के अभाव के अभाव, तो विद्या हो जाएगा। हाँ, विद्या के भाव हो जाए। कब यहाँ पे यह बता अभिद्या अभिन्न टिप्पणी के साथ ताल में देखिए, टिप्पणी के साथ भाष्य टिप्पणी और टीका तीनों को मिलाइए, तब वहाँ पे पता लगेगा, है ना। तो वहाँ पे अविद्या अभाव व्यापृत्य तो नहीं होगा, विद्या भाव अविद्या नहीं होगा, अथवा वहाँ पे अंतर्लीन गुप्त अनेक नहीं वहाँ पे तो नहीं होगा। हाँ, विद्या अभाव व्यापृत्य जगह विद्या भाव व्यापृत्य, ठीक है, विद्या भाव व्यापृत्य पूरा पुस्तक में नहीं है। विद्या की जो विद्यमानता उसको वहाँ पे नहीं है, उसको हटाने के लिए अर्थम मोह को मोह की विशेषण है। मोह की विशेषण क्या है? अविद्या, ठीक है ना, यानी कि विद्या के अभाव। जब तक ये चीज ध्यान रखना, हमारे वेदांतिक सिद्धांत में अविद्या मतलब विद्या का अभाव नहीं है, क्योंकि अभाव से कोई वस्तु की सृष्टि नहीं होती। विद्या के नौ का छह अर्थ होता है, तत्सादृश्यम तद अनन्नतम तदल्पतम तद तत्सादृश्यम अभाव तद अनन्नतम तदल्पत विरोध से नौ का छह अर्थ होता है। अभाव भी होता है, विरोध भी होता है। हम विद्या अभाव को अविद्या नहीं बोलते, विद्या विरोधी कोई भाव वस्तु बोलते हैं, तो अभाव से हम उत्पत्ति नहीं मानते। तो विद्या विरोधी भाव वस्तु का नाश कैसे होता है? बोलते हैं ज्ञान से नाश होता है, ज्ञान नाश ऐसा होता है। इसलिए यहाँ पे कि विद्या भाव व्यापृत्व, विद्या की जो मतलब ज्ञान की प्रकाश को अलग करके दिखाने के लिए वहाँ पे मोह का विशेषण दे दिया। तो अविद्या मोह तम, जो अविद्यात्मक मोह है वही तम आवरणात्मक है, वो आवरणात्मक मतलब यथार्थ वस्तु को देखने नहीं देते। इसलिए हमें बोलते हैं कि प्रणय वाला अविद्या अभिन्न मोह तमस विशेषण हो, तम का विशेषण अविद्या से अभिन्न मोह, वही मोह क्या होता है? वस्तु को ठीक से देखने नहीं देते, है ना, कि वही वही तम उस तम ग्रस्त उसी में ग्रसित होकर के अंतर अंतर नहीं जाए, या नहीं जाए। अनेक अनर्थ प्रवृत्ति बीज, अनेक अनर्थमान प्रवृत्ति का जो बीज है, समस्त अनर्थ के प्रवृत्ति के बीज क्या है? समस्त अनर्थ के मतलब जो प्रवृत्ति के बीज क्या है? अविद्या के कारण भाषण, अविद्या नहीं दिखाई पड़ता, इसे बोलते हैं भाषणा, मतलब उपासना वाला मन। ये जो मन है, इस मन का
आत्मसत्त्व अनुबोध हुताश विकृष्ट अविद्यादि अनर्थ प्रवृत्ति बीजस्य निरुद्धसो निरोध हो जाए। जागृत अवस्था में क्या होता है, जागृत तो स्मृति बनाएंगे तो वो भी धीरे 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 निरोध हो जाए। वहाँ पे देखिए कि पंक्ति और भी है भाष्य में, वो जो प्रचार वहाँ पे एक पद आओगे प्रचार अविद्या तम अविद्या मोह तम प्रस्त तस् अंतर लेना। वहाँ पे देखिए जहाँ तक हमने पढ़ा विद्या भाव व्यावृत्त मोह विशेषण, ठीक है, ये पंक्ति हो गया। चित्त भ्रम व्यवर्तेतुं तमो विशेषण, चित्त की भ्रांत। अब देखिए अंत समय क्या होता है कि तमो का विशेषण क्या दिया, ये अविद्या मोह। अब देखिए नौ नंबर टिप्पणी में क्या बोल रहे हैं, तमो विशेषण अविद्यात्मक मोह अभिन्न तम मनुष्य विशेषण, ठीक है ना। अविद्या से अविद्या ही आत्मक, मतलब जो अविद्या है वही मोह है, अविद्या का अभिव्यक्ति मोह है, उससे अभिन्न है तम, मतलब उसका नाम क्या हो गया, आवृत कर देता बुद्धि को, यही मन का विशेषण ही बोध है। अभिप्राय क्या होगा यहाँ पे, ये प्रचारो अविद्या मोह तम ग्रस्त अंतरलीन, मोहग्रस्त और उसमें अंतरलीन है, उस मोह में अंतरलीन है, क्या लीन है, अनेक अनर्थ प्रवृत्ति भी, जो अनेक अनर्थ का समस्त अनर्थ का प्रवृत्ति का जो बीज है वो क्या है, भाषण, वासना वाला मन का, इस वासना वाला मन का क्या होता है, वो जल जाता है। कैसे जलते हैं, आत्मसत्य अनुबोध उदास विकृष्ट, है ना, आत्मा ही एकमात्र सत्य है। ये गुरु का अनुबोध बोला मतलब गुरुमुख से शास्त्र ग्रंथ सुनकर के विचार के फलस्वरूप उससे जो ज्ञान की प्रकाश होता है, उस ज्ञान के प्रकाश के द्वारा अज्ञानात्मक जो आवरण विनाश हो जाता है, मतलब तो जब उसका आधार ही टूट गया, तब तो आधा ही जुड़ गया, तो आधे भी जुड़ जाते, अज्ञान नाश हो गया तो वासना भी नाश हो गया। इसलिए हम बोलते हैं कि आप टीका में देखिए, टीका में अंतर लेना मतलब गुप्ता, उसी का अर्थ का भाष्य का शब्द का अंतर लेना मतलब गुप्ता क्या है, अनेक अनर्थ फलाना, है ना, ये अनर्थ ही फल है जिसका जिसका प्रवृत्ति नाम, समस्त प्रवृत्ति का फल कारण है, उसका बीज भूता है ना प्रवृत्ति ना, मतलब षष्ठीगत पूर्व समास है, दोनों जगह पर षष्ठीगत, अनेक अनर्थ फलाना मतलब अनेक अनर्थ प्रवृत्ति बीज है, सब षष्ठीगत पूर्व समास है, ठीक है ना, अनेक अनर्थ फलाना प्रवृत्ति नाम बीज भूता भाषणा, उसका बीज रूप है वो भाषण है। जस्मिन मनस जिस मन में रहते हैं उस मन का तस्ती सुषुप्त ये सुषुप्त का बीज है। दूसरा क्या बोला, आत्मसत्य अनुबोध हुताशु विपृष्ट, उसको बोलते हैं आत्मन सत्यस्य अनुबोध, जो व्याख्या का पहले व्याख्यान करके आया, आत्मा ही एकमात्र सत्य वस्तु है, इस प्रकार आत्मा की जो सत्य है उस सत्यता की प्रकाश से स एव हुताशु, वही सत्य की प्रकाश ही आँख की काम करता है, हुताशु मतलब अग्नि, है ना, तो बोलते हैं स एव हुताशु, इसलिए हुताशु मतलब अग्नि, तेना उस अग्नि ना तेना अग्नि तृतीय तत्व विकृष्टानी जल गया है, अविद्या दीनी अविद्या के साथ अनेक वस्तु जल गए, अनेक अनर्थ पर अनेक अनर्थ पर्यंत प्रवृत्ति नाम बीजानी, अनेक अनर्थ रूपी फल देने के लिए प्रवृत्ति का बीज था वो सारा बीज, सारा बीज मतलब जन्मांतर में जितना भी था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण एक शब्द में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ज्ञानाग्नि सर्वकर्मणं भस्मसात्, यही है यहाँ पर उसका स्पष्टीकरण दिया कि क्या बोला, आत्मन सत्यस्य अनुबोध, आत्मा ही एकमात्र सत्य वस्तु है, उसका अनुभव बार बार विचार करते करते उसका परीक्षण, जो पहले व्याख्या के पहले व्याख्यान करते सैव हुताशु, वही यहाँ पे आँख का काम करते अग्नि, तेन विपुलुष्टानि, उसी के द्वारा जला हुआ है, क्या जला हुआ है, अविद्यादीनि अनेक अनंत पर्यंत प्रवृत्ति नाम बीजानि, है ना, अविद्या से लेकर के मतलब अविद्या काम कर इसके द्वारा जितना सारे प्रवृत्ति का बीज और सारा बीज वहाँ पे नष्ट हो गया, जिसका जिस मन का तस् निरुद्ध मन से विशेषण, वो निरुद्ध मन का ये विशेषण है, सुषुप्त मन का विशेषण हो गया अविद्या तमग्रस्त अंतरलीनानि अनेक अनर्थ प्रवृत्ति प्रवृत्ति बीज वासना बन, और इसलिए मन को बीज में रखा, देहरी देवक ने बीज में रखा, देखो सुषुप्ति अवस्था मन की स्थिति और जागृत को सुषुप्ति मानने से मन की स्थिति, मतलब विशेषण निरुद्ध से विशेषण, फिर जो आया वहाँ पे कि आत्मसत्य अनुबोधेन
भूताश्व विदुष्ट अविद्य अनर्थ प्रवृत्ति विजस्य निरुद्धस्य अन्न एव प्रशांत सर्व क्लेश रजस स्वतंत्र प्रचार। ठीक है ना, ये जो प्रशांत सर्व क्लेश रजस है ना, प्रतिष्ठित रूप से शांत हो गया। क्लेश कितने हैं? पांच, अविद्या संग राग द्वेष अभिनिवेश है ना, ये पांच क्लेश का समझते हैं। वो क्यों होता है? रजोगुण के कारण, अधिक दर्ज रजोगुण वहाँ पर मुक्त होता रहता है। इसीलिए बोलते हैं सत्वगुण वहाँ पर इतना ही मंत्र है, ये मेरे को क्लेश हो रहा है इसका प्रकाशक होता है सत्वगुण। तमोगुण प्रकाश के लिए मतलब क्लेश के लिए हेतु होता है, रजोगुण जो है उसका फलीभूत अवस्था में लाते हैं, ये काम करते हैं। प्रशांत सर्व क्लेश रजस इस शब्द का अर्थ करते हैं टीका का। देखिए टीका का लगाना इधर उधर कहाँ कहाँ शब्द उठा करके लगाते हैं, जब तक ध्यान में नहीं मुश्किल होगा। अब यहाँ पे कॉमा है, आपका समीकरण कर दीजिए। फिर उसके बाद प्रकर्षेण शांतम सर्व क्लेशात्मकम रजोदस्य इति तस्य विशेषः। उसी मन का एक विशेषण अंतर है। उसी मन का पहला विशेषण क्या दिया? आत्मसत्व अनुभव होता सुपुष्ट अविद्य अनर्थ प्रवृत्ति विदस्य निरुद्धस्य, ये हो गया पहला विशेषण मन का। दूसरा विशेषण क्या दिया? प्रशांत सर्व क्लेश रजसः, रजस प्रतिपदी का षष्ठी वचन है वो। ठीक है ना, शांत हो गया समस्त क्लेशात्मक जितना रस था वो शांत हो गया, मन उसका शांत हो गया। इस प्रकार मन का उसको देखिए, ये प्रशांत सर्व क्लेश रजस इसका अर्थ कर रहे हैं। प्रकर्षेण शांत, प्रोपसर का अर्थ क्या कर दिया? प्रकृष्ट रूप से बस प्रकर्षण शांत, बिल्कुल मन जो है अपने शांत सर्व क्लेशात्मक उसका फल स्वरूप है। जितना क्लेशात्मक रजोदस्य जितना क्लेशात्मक रजोगुण की कार्य था वो मतलब क्या हो गया? शांत हो गया। अभी वृत्ति जो है प्रकाश की वृत्ति, प्रकाशात्मक वृत्ति होना, इसलिए बोलते हैं प्रकर्षण शांतम सर्व क्लेशात्मक रजोदस्य इति तस्य विशेषण, तस्य मनस विशेषणांतर, उस मन के विश्व विशेषण क्या है? प्रशांत सर्व क्लेश रजस मनस। ठीक है, समझ में आया? एक दूसरा विशेषण हो गया। पहला विशेषण क्या है? आत्मसत्व अनुबोध उपाश उत्कृष्ट अविद्य अनर्थ अनर्थ प्रवृत्ति बीजस्य निरुद्धस्य, एक पहला हो गया मनुष्य मन का विशेषण। एवं दूसरा विशेषण क्या हो जाएगा? प्रशांत सर्व क्लेश रजस। अब वो मन क्या हो गया? अमन हो गया। मतलब क्या होगा? अमन मतलब आप पागल नहीं हो जाए। पहला जैसा मन वासनाओं के द्वारा अनुबंधित होकर के व्यवहार करता था, अब वो वासनाओं के द्वारा अनुबंधित होकर व्यवहार नहीं करता। अपने अंदर कोई कर्तृत्व बोध अनुभव नहीं करता। मैं ब्राह्मण हूँ, शास्त्र ने बोला ऐसा करने के लिए, ये बोध स्वतंत्र हो जाता। अभी जो है ना, ये प्रयोज्य प्रयोजक भाव नहीं करता शास्त्र को। इसलिए आपने बोला कि स्वतंत्र प्रचार उसका भी मन का बिल्कुल हो जाए। इस समय कोई वासनात्मक अथवा मैं ये हूँ इसलिए मुझे ये करना चाहिए, इस प्रकार का कोई है मतलब दबाव के अंदर मन का प्रचार नहीं है, तब आपको कहता है ये हो गया उस समय का मन का प्रचार। ठीक है, अब देखिए कि कितना भाष्यकार की बात हुआ हुआ उस विषय को, हमको तो जिस विषय को समझाए नहीं जा सकते उसको कितना स्पष्ट शब्द द्वारा भाष्यकार कैसा मतलब इस चीज़ को आती होगी क्या करता है, हमें अनुप्रेरणा देता, हमें भी स्थिति को हम समझ सकते हैं। फिर तो भाष्य का लिखेंगे क्योंकि धीरे धीरे अभ्यास करते करते समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पर एक टिप्पणी छुटा हुआ है इस पन्ने में 179 में, देखिए प्रकर्षेण इति निशेषेण सह मूलेन प्रकर्षण शब्द का अर्थ क्या हो गया? मतलब रूप आप इट अपरूटेड, क्योंकि अविद्या काम कर्म अज्ञान नाश हो गया, थोड़ा तो वासना नहीं है, वासना है कर्म की प्रवृत्ति नहीं है, प्रवृत्ति का बीज नाश हो गया, इसलिए बोलते हैं निशेष सह मूल्य नहीं हुआ। ये देखिए अविद्या का मतलब कारण शरीर हो गया है ना, अविद्या कारण शरीर हो गया, फिर अविद्या से वासना, वासना कहाँ रहते हैं? मन में, मतलब सूक्ष्म शरीर हो, और कर्म का मतलब स्थूल शरीर से, समझ में आ रहा है? तो आपका तीनों शरीर से अलग हो गया। जब हम बोलते हैं अविद्या काम कर्म, अविद्या किसना, अविद्या कारण शरीर है, उस कारण शरीर के कारण आपको कार्य मतलब उसका फल स्वरूप आपका सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म शरीर के वासनाओं के कारण आपका स्थूल शरीर। तो अविद्या काम कर्म तीनों ही नाश हो गए, मतलब क्या हो जाएगा? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। ये चीज है, इसलिए प्रकर्षण अशांत सर्व क्लेशात्मक, समस्त क्लेशात्मक जो रच है वो पूर्ण रूप से शांत हो जाता है।
जिस प्रकार के मन का उस प्रकार के मन की ये विशेषण कौन से विशेषण है प्रशांत सर्वक्लेश रजस है ना सभी व्यक्ति नहीं समझते जैसे जिस समय आकर जो स्थिति होगा उस समय की मन की ये विशेषण फिर उसके बाद उस मन का एक गंतव्य मन जाता कि प्रचार को प्रचार उस समय मन का प्रचार क्या हो जाता है मनसः प्रचार उस समय मन का प्रचार क्या होता है स्वतंत्र प्रचार इस समय मन का प्रचार क्या होता है अविद्या के से दबा हुआ प्रचार अविद्या जैसे बोलते हैं पहले मैं मनुष्य हूँ फिर मैं ब्राह्मण हूँ शास्त्र ने मेरे को ये कर्म करने के लिए बोला इसलिए मुझको करना चाहिए इस प्रकार दबाव के अंदर आ करके मन व्यवहार करना चाहिए आगे क्या हो जाएगा ये शास्त्रीय व्यवहार लौकिक व्यवहार तो अपने पहले ही हटा दिया शास्त्रीय व्यवहार भी इसलिए आगे बोलते हैं कि देखो स्वतंत्र स्वतंत्र शब्द का अर्थ कर दिया टीका का ब्रह्म स्वरूप अवस्थानात्मक एक अर्थ है ना अब मैं मनुष्य नहीं हूँ तीनों से दिन चला गया तो क्या हो जाएगा व्यापक अर्थ के स्वरूप के साथ होगा यही स्वतंत्र होगा व्यापक कथा के साथ जैसे ही परिच्छिन्नता की मान्यता देखें तभी हमारे अंदर ये आकर डरे कि हमारे लिए कर्तव्य चाहे वो शास्त्रीय कर्तव्य क्यों ना भी कर्तव्य इसलिए स्वतंत्र ब्रह्म स्वरूप अवस्थानात्मक एक अर्थ स्वतंत्र स्वतंत्र व्यापक अर्थ की स्थिति में विद्यमान है ना अतः इसलिए भाष्यकार क्या होता है न तत्समय से सुषुप्ति की मन की स्थिति प्रचार और निरुद्ध मन की प्रचार एक नहीं है अतः न तत्समय से ये दोनों की प्रचार एक नहीं है तीन नंबर के सुषुप्त मन प्रचार निरुद्ध मन प्रचार से अत्यंत विलक्षण तीन नंबर के है ना सुषुप्ति मन की प्रचार और जो है निरुद्ध मन की प्रचार अत्यंत विलक्षण ये इसका प्रचार को अलग करके समझना तो हमारा क्या होता है किसी विषय के साथ ही अपने को देखने का अभ्यास होता है मन के साथ इसलिए सुषुप्त प्रचार सुषुप्त में जो मन की प्रचार उसके विलक्षण प्रचार विषदृश्य प्रचार सदृश्य प्रचार एक संलक्षण और विषदृश्य दुर्ज्ञानत्व ये समझना कठिन होता है स्थिति इस प्रकार स्थिति को प्राप्त फलितम आह तस्मात इसलिए शास्त्र को क्या बोला आत्मा देखो भाषित अथवा आत्मा इसी को जानना है मन ध्यान भी हमारा उधारी जाएगा सुषुप्त प्रचार युक्त इसलिए कि जो ग्रंथकार ने जो कहा प्रचार सर्वविज्ञेय ये बहुत युक्ति संगत मतलब बहुत वैल्युएबल वर्ड है ये बोलना चाहते हैं इसलिए बोलते हैं तस्माद युक्त सविज्ञात सप्रचार सत्य कह देंगे सप्रचार विज्ञात सन से प्रचार विज्ञात ग्रंथकार की ये बहुत युक्ति संगत है ना अभिषेक पूर्ववाद एक संकट इसको जानने से क्या होगा इसी को जानने से तो सारा काम समाधान होगा इसीलिए ग्रंथ का कहते हैं इसको जानने यहाँ से धीरे धीरे करके 35 से लेकर के लास्ट तक में मन की एक एक स्थिति को समझेंगे और उसको उससे आपको विरोध उपाय भी बताएंगे वहाँ से निकाल के लंबे तो सबसे बड़ा सुंदर यहाँ से शुरू होता है और वेदांत विचार के द्वारा इसे योग दर्शन में समाधि ना सभी कल को समाधि नहीं है यहाँ पर आत्मसत प्रभु को जन समाधि कुछ प्रकार की समाधि आज कौन सा शुरू करेंगे पहला अजम अपि योनि योगम प्रापदैश्वर्य योगम अगतिं च गतिमतां प्रापदेकं हिरण्येकं विविधविषयधर्मग्राहीं मुग्धेक्षणानां प्रणतपयविहन्त्री ब्रह्मरत्नन्नोऽस्मि ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमेवाशिष्यते।